बारिश का मौसम अपने साथ कई अच्छी चीजें लेके आता है, इनमें से एक जामुन भी है। जामुन यानी ब्लैक प्लम खाने के बहुत फायदे हैं, जैसे ये हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और बहुत कुछ। इसलिए आज हम बनाते हैं जामुन का रायता, जिसका टेस्ट खट्टा, मीठा और बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेल्टिन माउथ, आपका स्वागत है। लोकल मार्केट में जामुन बहुत कम समय के लिए मिलता है, इसलिए जब भी मिले तो इसे जरूर खाएं। जामुन का रायता बनाने के लिए सबसे पहले इसमें से बीज को निकाल दें। जामुन का सारा पल्प एक बड़े बर्तन में रखकर इसे एक मैशर की मदद से मैश कर लें। आप चाहें तो इसे मिक्सर में ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये एकदम प्यूरी ना बन जाए। जामुन के कुछ चंक्स या पीसेस रायता में जरूर होने चाहिए। अब दही को अच्छे से फेंट लें। यहाँ मैंने बाजार से दही ली है, आप चाहें तो घर की दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक छोटा चम्मच काला नमक डालें। काला नमक नहीं हो तो आप सादा नमक भी डाल सकते हैं। और एक छोटा चम्मच जीरा पाउडर डालें। अब इसमें मैश किया हुआ जामुन का पल्प मिला लें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें ऊपर से काला नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा चिली पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। लीजिए, हमारा जामुन का रायता तैयार हो गया। रायता हमेशा ठंडा ही अच्छा लगता है। इसे परोसते समय ऊपर से जीरा पाउडर, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा नमक डालें और जामुन के कुछ पीसेस से सजा करके इसे पेश करें। आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।